नाइजीरिया में पिछले 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में युवाओं ने बेरोजगारी खत्म करने और प्लास्टिक का सही इस्तेमाल करने के लिए नायाब तरीका निकाला। इसके तहत वे प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी कंकड़ भरकर मकान और पानी की टंकी बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बोतलों के बनाए जा रहे मकानों पर 7.3 तीव्रता का भूकंप भी असर नहीं करेगा। उनके मुताबिक एक प्लास्टिक बोतल को गलने में करीब 450 साल लगते हैं। यह टिकाऊ साबित होंगे। ये घर ठीक उसकी तरह बन रहे हैं जैसे ईंट सीमेंट गिट्टी के बनते हैं। इन बोतलों को एक के ऊपर एक रखकर चुनाई की जाती है। बाद में इन्हें नायलोन की रस्सी से बांध दिया जाता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसमें खर्च भी कम होता है। क्वाड्रो इको सॉल्यूशंस कंपनी के सीईओ रेमोन मार्टिन बताते हैं कि 600 वर्ग फीट का घर बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च होता है। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल को गलने में करीब 450 साल का समय लगता है। ऐसे में ये किफायती और टिकाऊ होंगे। नाइजीरिया की आबादी 19 करोड़ है। यहाँ बोतलें जल निकासी में बड़ी बाधा बन रही हैं। नाइजीरिया में हर साल 3.2 टन कचरा निकलता है, लेकिन कोई भी ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली नहीं है। अब बोतलों की रिसाइकलिंग देश के लिए सकारात्मक साबित हो रही है। मकान बनाने से पहले बोतलों में मिट्टी छोटे छोटे पत्थरों को मिक्स करके भरा जाता है। इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। चुनाई के दौरान बोतलों को ईंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इन्हें नायलॉन की रस्सी से बांधकर मजबूती दी जाती है।